किसी शख्स के दिल में दीनी जज्बा पैदा होता है तो बड़ा तीर मारेगा, नमाज ज्यादा पढ़नी शुरू कर देगा, अभी पहले फर्ज पढ़ रहा था तहज्जुद भी पढ़नी शुरू कर देगा, लेकिन ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरा दीन सिर्फ नमाज रोजे का दीन नहीं है, मेरा दीन तो मुकम्मल जिंदगी का दीन है, मेरा दीन तो पामाल है, अल्लाह का दीन तो मगलूब है, अल्लाह का कानून जो है उसकी धज्जियां बिखर रही है, इंसानों के बनाए हुए कानून चल रहे हैं, इसको इस पूरे तीन जो हिस्से हैं समाजी निजाम, माशी निजाम, सियासी निजाम, इसमें पूरे दीन को कायम करना इकामत दीन है। ये है अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। ये कैसे होगा जबकि मिलजुल कर काम करो, एक जमीयत हो, तफरका हो आपका, नूर और बशर का झगड़ा रह चुके, इल्मे गैब का मसला ही हल ना हो, तो कहां जमा होगे और कहां दीन कायम करोगे, दस्तों गरीबान रहोगे आपस में। लिहाजा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, ये इकामत दीन है।